Hi everyone, welcome to this new video. So today I'm going to tell you that why like house building, when you do the house building, why Germany is so important if you're doing in Germany. So क्या है ना, अगर आप किसी एरिया में हो, अगर जैसे इंडिया में अगर अलग अलग स्टेट में पढ़ने जाते हो, तो वहाँ पे कैसे उस स्टेट की जो लैंग्वेज है, अभी मोस्टली जो हिंदी तो चल जाता है हर जगह पे, लेकिन अगर आप मतलब कहीं पे भी लाइक इंडिया में जहाँ पे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में चले जाओ, तमिल बोलते वहाँ पे, चेन्नई तो चेन्नई जैसे मेट्रो सिटी है वहाँ पे चले जाओ, तो ऐसे जिस जिस एरिया में जाते हो वहाँ का जो कल्चर है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है अगर आपको वहाँ पे रहना है तो. तो ऐसा नहीं कि अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो आप जर्मनी में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, लेकिन बस उसका जो जॉब की जो परसेंटेज है एक लेवल तक पहुंचने के वो कम हो जाते हैं. इसलिए जर्मन जर्मन लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको हाउस बिल्डिंग करना है जर्मनी में. तो क्या होता है, अगर जो ये जो प्रोग्राम है ना हाउस बिल्डिंग का, ये इंग्लिश में नहीं है, आपको जर्मन में ही करना है वो. तो अभी क्या, अगर हम जैसे मैं भी वैसे सोचता था, हम जब डिसाइड करते कि मुझे हाँ ये प्रोग्राम करना है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आ जाती है कि जर्मन लैंग्वेज. वो डिपेंड करता है आप कौन से प्रोफेशन में करते हो, उसके हिसाब से वो जो लेवल से वो अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड है, अगर कोई आईटी फील्ड है, तो आपको ऑब्वियसली आपको B2 हाई लेवल का जर्मन लगेगी. अगर आपकी हॉस्पिटैलिटी है उसमें भी, अगर आप फ्रंट ऑफिस में जॉब करते हो तो आपको B1 लगेगा, B2 लगेगा, और अगर आप बैक ऑफिस में जैसे किचन में सर्विस में जॉब, सर्विस में बैक B1 B2 लगेगा आपको. अगर आप किचन में और कोई अलग डिपार्टमेंट में जहाँ पे कस्टमर रिलेशन नहीं है, तो ऐसी चीज़ों में आपको B1 भी आपका काम चल जाएगा, इवन A2 पे भी आपका काम चल सकता है. लेकिन फिर चीज़ ये हो जाती है कि आपको जो B1 है, जो कैसे आपको अचीव कैसे करना है, क्योंकि फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो वही है ना कि आपको जर्मन लैंग्वेज का गोएथे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट चाहिए. अगर आपके पास वो है तभी आगे का प्रोसेस होगा और सारी चीज़ें फिर आप डिसाइड कर सकते हो, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते. तो उसको कैसे अचीव कर मतलब कर किया जा सकता है किया जा सकता है. तो मैंने कैसे किया था कि मुझे अराउंड 7 months लगे जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट करने में, B1 तक पहुंचने के लिए, और मैंने मतलब बहुत बहुत टाइम दिया उसको. तो ऐसे आपको पढ़ना तो पड़ेगा, जर्मन लैंग्वेज बिल्कुल न्यू लैंग्वेज है और दुनिया की थर्ड डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है जर्मन. तो उसका जो ग्रामर है बहुत डिफ़िकल्ट है, वोकेबलरी आपको करनी पड़ेगी, 8,000 words आपको B1 तक आने चाहिए जर्मन के. तो ये सब सारी चीज़ें आपको एफर्ट्स तो डालने ही होंगे, लेकिन उसका क्या है, एक अगर आपको अगर आप फोकस और स्मार्ट वर्क करोगे तो आप 6 months 5 months में कंप्लीट कर सकते हो. मुझे 7 months इसलिए लगे क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे एग्ज़ाम के लिए, जो डेट्स होते गए थे इंस्टीट्यूट के वो नहीं मिल रहे थे जल्दी, और फिर बीच में लॉकडाउन भी हो गया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा. तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी मतलब उसका स्ट्रक्चर होता है कि कैसे उसके क्लासेस, अगर मैंने A1 YouTube से सीखा है, फिर A2 और B1 के लिए मैंने क्लासेस ज्वाइन किए थे. तो ऐसा है, आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे करना है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इस कोर्स में सारी चीज़ें जर्मन में सिखाई जाती है, जो क्लासेस होते हैं कॉलेजेस में वो सब जर्मन में होता है, कुछ चीज़ इंग्लिश में नहीं होती. आपको हर चीज़ समझने के लिए जर्मन आनी बहुत ज़रूरी है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट्स, सब सारी चीज़ें जर्मन में ही होगी. तो अगर आप ट्राई करोगे, आप फर्स्ट मंथ दे दो कि मतलब सिर्फ वोकैबलरी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख लो, उसके बाद फिर 3 से 4 चीज़ों पे फोकस करो, जैसे कि ग्रामर में वर्ब्स हो गए, फिर ग्रामर के जो रूल्स होते हैं जर्मन जर्मन ग्रामर के वो फॉलो करो. तो एक 2 चीज़ों पे चलो, वोकैबलरी और ग्रामर दोनों को साथ लेके चलो, तो आपको रिजल्ट्स आने जल्दी मतलब शुरू हो जाएंगे. जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, 1-2 महीने में आपको पता चलेगा कि आपका हो रहा है थोड़ा थोड़ा. तो
ऐसे करते करते आपको अगर आप 3 से 4 महीना दोगे तो आप सीख ही जाओगे। अगर आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसली दोगे टाइम तो आप ऑब्वियसली सीख जाओगे। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ा डिमोटिवेशन आ जाता है, 15 डेज 20 डेज के बाद बोर होने लगता है कि क्या है कैसा है, नहीं हो रहा मेरे से। तो अगर आप मतलब ब्रेक नहीं दोगे, अगर गैप आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है शेड्यूल। तो आप थोड़ा थोड़ा करके मतलब कंसिस्टेंसी रोज 1 घंटा 2 घंटा ऐसे दोगे तो 4-5 महीने में आपका भी A2B1 तक कंप्लीट कर दोगे। और उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो उस भी मतलब जो भी प्रोग्राम के लिए आपको आना है जिस भी फील्ड में, फिर वो अप्लाई करना, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें होगी। ऐसे कभी ट्राई मत करो कि अभी थोड़ा सा सीख लिया और फिर बाद में अप्लाई करेंगे। थोड़ा सीख लिया और फिर अप्लाई करेंगे और हो जाएगा, मुझे आती है लैंग्वेज, ऐसा नहीं होता। आपको सर्टिफिकेट जो है गोएथे इंस्टीट्यूट का वो सबमिट करना ही पड़ता है, फिर ही उसके बाद ही आपको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ का। तो जर्मन लैंग्वेज इतना बड़ा कुछ चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, हो जाता है। मतलब मैं तो बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, इतना भी मतलब मेरे मार्क्स इतने भी नहीं थे। और तो ऐसे नहीं है कि आप फिर आप एक ही रीज़न है, बस आपको टाइम देना है। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो वो नहीं होगा। ऐसा ऐसी चीज़ें हैं और जो आपको फॉलो करनी है। बहुत सारे रूल्स हैं, आप यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ है वो देख सकते हो जर्मनी के बारे में, कि कैसे करना है, क्या करना है, वोकेबलरी, ग्रामर। बस ये कि बीच में छोड़ना नहीं है, अगर एक बार स्टार्ट किया तो बस कंटिन्यू करना है जब तक एग्ज़ाम नहीं होती। फिर रिजल्ट आने के बाद फिर आपको पता चलेगा क्या किस चीज़ में आप कम हो, और फिर उसके बाद आप और भी ट्राई कर सकते हो। तो ऐसा है, मैंने वैसे ही किया था। सो अगर कोई भी पढ़ रहा है अभी और डिमोटिवेट हो रहा है तो ऐसी चीज़ नहीं है, हो जाता है वो। फिर बस आप थोड़ा उन चीज़ों पे ध्यान दो जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रही है और मार्क्स कम आ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो आप फोकस करते जाओगे ना उन चीज़ों पे, तो एक टाइम पे आपको लगेगा कि अब हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो या ऑल द बेस्ट जो भी प्रिपरेशन कर रहा है जर्मन लैंग्वेज के लिए और जो इस ऑस्बिल्डिंग के लिए आना चाहता है। सो दैट्स ऑल।